बीच में से आंटियां थी आंटी देख के करोड़ यंग स्टनर्स वेटर तू कच्चे और गंदे बर्तन थी तो जब नसीबुल्ला आंटी बोलेगी ना करूब मेरा देख रहे हैं टीम रियल डील्स। मैं हूं फिजा शाहिद और मुझे तो आप सब वैसे ही जानते हैं, मेरा नाम है मलिक मुनीब और हमारे साथ मौजूद हैं इमन मलिक। तो आज हम देने जा रहे हैं जो PSL 6 का एंथम था रूव मेरा, उसका उसके ऊपर रिएक्शन। मैंने तो गाना नहीं देखा, अभी तक नहीं देखा, PSL का मैच हो गया लेकिन स्टिल मैंने नहीं सुना। सुना है थोड़ा बहुत पर पूरा गाना नहीं सुना यार। मैंने मीम्स उस पे बहुत ज्यादा सुनी है लेकिन गाना मैंने भी नहीं सुना। मैंने नसीबोलाल आंटी कह सकते हैं उनको, आंटी बहन तो कह नहीं सकते अब इतनी बड़ी छोड़े। तो नसीबोलाल आंटी अपनी प्यारी आंटी है, लेजेंडरी आंटी है, तो उनका मैंने थोड़ा सा क्लिप सुना था। उसको बहुत क्रिटिसाइज किया गया, लोगों ने क्रिटिसाइज किया। हाँ, तो अभी हम देखते हैं। एक्चुअल में मैंने प्लान बनाया था, मैंने कहा भाई मैंने इस पे डायरेक्ट रिएक्शन ही देखना है, पहले गाना नहीं सुनना। तो मैंने बहुत वेट किया, बहुत क्यूरियोसिटी है अभी तक अंदर से कि क्या होगा अंदर। और एमन 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 आपने गाना सुना है अभी तक? नहीं, मैंने सुना है पर देखा नहीं। देखा नहीं है, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो वैसे मैंने मीम्स सुनी थी कि जब इंसान को जागना आ रही हो तो वो ये लगा लिया, पता नहीं क्या। हाँ, मैंने भी एक सुनी थी कि जब मौलवी साहब मुझसे पूछेंगे ना कि आपको कबूल है तो आई विल से आई एम रेडी एंड आई एम श्योर दे। तो वो देखते क्या सीन है। तो प्ले हो गया इंतजाफी स्टेडियम के ऊपर में बॉल गई। सही कहते हो। यार ये वैसे हो रहा है, वो जैसे कोई जट नहीं होता, वो पैंट कोट पहन के इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा है। तो नहीं, एक और बात है कि अच्छा गाना एनिमेशन और एडिटिंग इस तरह की एकदम ऐसा लगता है कोई बीच में से इंग्लिश सॉन्ग निकलेगा वाना वाना ना या इस तरह का गाने का पीछे से आवाज आती है। ये वो शॉन पॉल वो जैसे करते ना दरमियान में खड़े होकर, वो वाला सीन है। लेकिन यार आवाज वाकई बहुत ज्यादा ऊंची है और शुरू से ही सीधा आज देखेगा करोड़। मुनी पहली बार में तो हमने सिर्फ हंसे हैं, दोबारा से उसको लगा हम सुनते हैं लिरिक्स को जरा हम फील करने की कोशिश करते हैं है क्या। तो बी रेडी। Do not laugh challenge. हंसना नहीं। एडिटिंग अच्छी है, टू बी ऑनेस्ट। एक बात है ये बड़ी जोर से, एडिटिंग इतनी ग्लूमी ग्लूमी है, मतलब वो क्यूट सी होती है ना, बीच में से आंटी आती है। चलो मुझे ऐसा लगता है ग्रूव का मतलब होता है जुनून या ऐसा कुछ, मतलब मेरा एंथुसियाज्म और जुनून शायद में भी होगा, यही मतलब हो, यही मतलब होगा। जो भी है हुन जो हो गया वो हो गया, हुन जान हुन जान दे। ये वही है ना उमर अकमल का, ये अपना एनर्जी आ रही है अगेन स्टिंग वाली स्टिंग। यार इसका अच्छा है, लगने लगा है तमाशा शहर शहर आज, बाजों के साज पे मचती हर थाप
जश्न मनाओ दाहव में हार, आज क्रिकेट का क्रिकेट पूरा क्रिकेट यार। आई फील कि यहाँ पर ना इन्होंने जो आयमा बेग वाला पोर्शन था वो नसीबो आंटी को दे दिया, और जो नसीबो आंटी का पोर्शन था वो आयमा बेग को दे दिया क्रिकेट नहीं क्रिकेट। और यार एक चीज देखो, ये लोग चाहते ही नहीं कि आयमा बेग आए स्क्रीन पे, थोड़ी सी अच्छी लग रही है उस, वो आती है उसको घुमाना शुरू कर दी, फिर इधर को जा रही है आयमा बेग, फिर इधर वो चक्कर आ रहा है देख पूरे सॉन्ग में। अगर आयमा के पास कुछ अच्छा है ना आवाज के अलावा, उनकी ग्लासेस, हाँ ग्लासेस अच्छी हैं, बाकी रस्सियां लटकी हुई हैं, दैट्स अ फैशन, फैशन है लो यंग स्टनर्स वेटर यार ना कर खुदा, वंस मोर क्या बोला आपने, मैंने कहा ये वेटर हैं, यंग स्टनर्स आए हैं स्क्रीन पे आए हैं, वो अपना गाना गा रहे हैं एंड सडनली मुनीब उनके कपड़ों को देख के कहते हैं यार मुझे अब इतना हेट आ रहा है ना, मुझे यार ये देखो यार इतने प्यारे लग रहे हैं, ये फैशन है आपको पता ही कुछ नहीं, ऐसी रियल डील्स पे गाना बना दे, हम पे गाना बना देंगे, डिस कर देंगे हमें डिस्ट्रैक्ट मैंने सुने में इवन कपड़ों को देख के क्या लग रहा है, बाकी वेटर ही लग रहे हैं, वेटर ही लग रहा है, मतलब जैसे उन्होंने वो, लेकिन ये फैशन है ये, अभी मुझे लगा यार भाइयां अपने चुप, मैंने टीवी पे देखना ही नहीं है, मैं यूट्यूब पे लाइव देखूंगा। यार ये तो इन दोनों की बातें आपस में नहीं मिल रही, वो कहता है तू सीट से नहीं हिलेगा, वो कहता है सीट पे झूमेंगे, यार ये तो समझ नहीं आ रही उनकी बात, ये देखो एक दोबारा से स्टार्ट से लगाते हैं और अब हम लिरिक्स सुन रहे हैं, हाँ लिरिक्स ही सुन रहे हैं, हाँ ठीक है, ओ ये तो आई कैमरा खा जाने लगे, बेड शीट ही पहन ली है यार, नाइस उसका कोट अच्छा है, देखिए एक सेकंड ही आयमा बेग को रुकने दिया मैंने, गलत है तो ये डायरेक्टर कौन है इसका यार, ग्रूव मेरा ये चाचा जी को डालना जरूरी था वैसे हम यार, लेकिन यार जो बात है ना वो ये है कि चाहे गाना थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ हुआ है बट स्टिल जो म्यूजिक है वो बहुत ज़्यादा कैची है, यानी आपको खुद ही से आपका मतलब यूँ सर हिलने लग जाता है यार, गाने की बीट्स आपके साथ मैच करी होती है, बीट्स अच्छी हैं और बाकी है कि और इसमें ना तलहान जुम और टू बी ऑनेस्ट आयमा बेग का पार्ट अच्छा है, नसीबो लाल का भी पार्ट बहुत अच्छा है, लेकिन उनकी ऑलरेडी पिच बहुत हाई है, वो गुजरात वाली पिच है तो वो स्टार्टिंग में नहीं मेरे ख्याल से कहीं मिड पे रखते हैं, थोड़ा सुनाओगे हमें तो, नहीं यार मुझे नहीं आता वैसे, मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, गुजरात का एक वो भी सुना था वो जो बड़ा उसका स्मूथ रिदम में कर रहा था, लेकिन नहीं यार जो नसीबो लाल देखो ना ये इनकी वन एंड ओनली वॉइस है, मतलब इस तरह की वॉइस पूरे पाकिस्तान में किसी और की नहीं है, अब इसको हम चीखने वाली तो वैसे मजाक में कह रहे हैं लेकिन वॉइस अच्छी है, अब ये वो हिसाब हो गए ना जैसे अब उनकी कैटेगरी का उनको गाना नहीं दिया गया, हाँ। अब जैसे हम हनी सिंह को गए तुम कपालिया गाओ ठीक है, ओ तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी यो यो हनी सिंह प्लीज आप कन्वर्ट करो यो यो हनी सिंह के किसी भी गाने को कवाली में करके दिखाओ हमें, फिर हम फील करना चाहते हैं कैसे लगे, वो हनी सिंह का वैसे गाना कौन सा वैसे मुझे भूल गए, अब वो वाला करने नहीं, आप लोगों ने भी बोला मुझे, लोग नाचेंगे चलो, दोएगी तू कच्चे
अच्छे और गंदे बर्तन देखेगी साधुरे दर्शन बन के रह जाएगी तू गर्मा पागा साधा सीधा। चलो अब हम इसका एंड देख लेते हैं। एंड देख तो लिया कितनी बार देखना। अच्छा ओवरऑल जो है ना सॉन्ग काफ़ी अच्छा था, अच्छा और बीट्स उसकी अच्छी थी। और तलहा भाई आई एम सॉरी मैं वैसे मजाक में कह रहा था, मतलब आप अच्छे लग रहे हैं बात वो मैं कोट नहीं आ रहा मैंने, लेकिन आई फील के जो गाना है ना वो बहुत अच्छा है, इसीलिए गाने के मतलब 10 मिलियन व्यूज अब तक हो गए हैं, मतलब और यार जहाँ तक पाकिस्तान की सॉन्ग प्रोडक्शन में देखा जाए तो काफी एडवांस एडिटिंग है। पहली बात तो ये कि मैं इतना कोई बर्गर बॉय या मम्मी डैडी बच्चा वैसे नहीं हूँ, तो मेरे तो ऐसी ओपिनियन होने थी। आप अपना ओपिनियन बताएं कि मतलब कैसा लगा ओवरऑल सॉन्ग म्यूजिक। ओवरऑल सॉन्ग बहुत अच्छा है, बहुत कैची है, बहुत, लेकिन इसमें नसीबुल्लाह की आवाज बहुत शाउटिंग है, मतलब थोड़ा सा शाउटिंग है, वो भी बातें की हैं लेकिन इंग्लिश में। हम अपने देसी अंदाज में करते हैं। हम अपने बहुत 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 प्यारे और अच्छे व्यूवर्स को बताना चाहते हैं कि एमन ने हमें आज ज्वाइन किया है और हमने आज ग्रुप मेरा पे रिएक्शन दिया है, और इंशाल्लाह आप एमन को आगे भी हमारे साथ देखेंगे। तो एमन इज आर न्यू टीम मेंबर और हम ऐसे ही अपनी टीम को एक्सपैंड करते जाएंगे और आप लोगों के सामने अच्छे अच्छे प्यार प्यार लोग। और काफी देर से हम लोग गायब हैं, उनकी रीजन तो बता दें यार, मतलब आवाम को हम सब के पेपर हो रहे थे। हाँ नहीं हम हैं, हमारे साथ भी हम हैं, हमारे साथ भी हम हैं, तो ये हम हैं, पहले मैं हूँ दोबारा, ये मैं हूँ, ये मेरी टीम है और ये हमारा रिएक्शन हो रहा है। यार वैसे टू बी ऑनेस्ट मैं ना इसका अब अलार्म लगाऊंगा सुबह नींद जब जाग रही ना आती, तो जब नसीबुल्लाह आंटी बोलेगी ना करूँ मैं, नहीं नहीं मैं अब यही लगाना, मोटिवेशन हो गई। यार वैसे इस गाने के ऊपर नसीबुल्लाह आंटी को इतना ज्यादा नसीबुल्लाह आंटी नसीबो आंटी को इतना क्रिटिसाइज किया गया है, इतना क्रिटिसाइज किया गया है, मतलब आई फील कि इतने ज्यादा मीम्स, इतने ज्यादा मीम्स, यानी आप अगर किसी कंट्रोवर्शियल चीज को मीम्स में कन्वर्ट कर दोगे ना तो भाई वो हिट होगी। अगर आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगी है देन उसका वॉच टाइम ना बढ़ाएं। लेकिन यार टू बी ऑनेस्ट गाना अच्छा है, गाना अच्छा, एडिटिंग बहुत अच्छी है, थोड़ा डिफरेंट पार्ट देखने को मिला, हाँ, थोड़ा अलग सा पार्ट। हाँ, और ये पॉजिटिव बात है, आपको ट्राई करना चाहिए कि मतलब वो जरूरी है उनसे एक ही अब चीज गवाते रहना, अब उनको इधर से अब मे बी पॉसिबल है नसीबुल्लाह आंटी नेक्स्ट रैप भी करें, ठीक है रैप करना शुरू हो जाए, और ये जो यंगस्टर्स हैं ये सैड गाने गाना शुरू हो जाए, तुम्हें दिल लगी भूल बस बोल जो। तो इसी के साथ हम अपना रिएक्शन वीडियो को ख़त्म करते हैं और देखते रहिए रियल डील्स, और बाकी जो आपके थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं ना, थोड़े वो आप हर कोई कहते रहते हैं यार निमरा कहाँ पे, आप लोग कहाँ पे गायब हो गए इतने देर से, तो हम उसका भी जवाब देंगे क्योंकि अभी हमारे पेपर्स चल रहे थे और मजीद लगता नंबर लग गए, वो एक कोड नंबर लग गया, कल से हम रो रहे हैं नंबर्स की वजह से। तो बाकी वैसे मैं तो पैसे दे के पढ़ता हूँ, अमीर आदमी ये गरीब स्कॉलरशिप पे पढ़ते हैं तो बहुत टेंशन होती है। तो अब मैंने तो यही कहना ना नालायक जो हूँ। तो इसी के साथ हम अपने इस रिएक्शन को एंड करते हैं एंड वी आर रेडी एंड वी आर श्योर पीएसएल यार पीएसएल पे चलेंगे नेक्स्ट व्लॉग उधर होगा। ओके।